जनसत्ता एडिटोरियल डिक्टेशन स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। कौशल विकास हुनर का वह आयाम है जो विकास के प्रशासन को परिभाषित करता है। स्टॉप। जब विकास का प्रशासन जमीन पर उतरता है तो सुशासन की पटकथा लिखी जाती है। स्टॉप। संदर्भ निहित परिप्रेक्ष्य यह भी है कि कौशल विकास के लिए एड़ी चोटी का जो जोर लगाया जा रहा है कोमा वह नाकाफी है। स्टॉप। कोरोना प्रभाव के चलते इसकी मुश्किलें तुलनात्मक रूप से बढ़ी ही है। स्टॉप। महामारी ने कौशल विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत बढ़ा दी है। स्टॉप। भारत युवाओं का देश है। स्टॉप। ऐसे में कौशल विकास से युक्त देश को खड़ा करना है तो बाजार की मांग के अनुरूप पेशेवर प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम चलाना होगा। स्टॉप। सुशासन की धारा में कौशल विकास की विचारधारा उतनी ही प्रासंगिक है जितना कि आसान जीवन ईज ऑफ लिविंग के लिए सरकार को बेहतरीन सुविधा प्रदायक होना। स्टॉप। कौशल विकास को तुलनात्मक अधिक वृहद बनाने के साथ उसकी पहुंच भी आसान करनी होगी कोमा उसे बाजार देना होगा कोमा संरचनात्मक विकास के रास्ते चौड़े करने होंगे कोमा तभी कौशल युक्त नौजवान विकास की मुख्यधारा में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। स्टॉप। पैरा। कौशल विकास का अभिप्राय युवाओं को केवल हुनरमंद बनाना ही नहीं है कोमा बल्कि उन्हें बाजार के अनुरूप तैयार करना भी है। स्टॉप। आंकड़े बताते हैं कि इस दिशा में वर्षों से जारी कार्यक्रमों और अभियानों के बावजूद महज 5% ही कौशल विकास कर्मी भारत में है। स्टॉप। जबकि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में यह संख्या बहुत मामूली है। स्टॉप। चीन में यह आंकड़ा 46% कोमा अमेरिका में 52 कोमा जर्मनी में 75 कोमा दक्षिण कोरिया में 96 और मैक्सिको जैसे देश में भी 38% है। स्टॉप। देश की विशाल युवा आबादी को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार मुहैया कराने के लिए साल 2015 में स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया था। स्टॉप। जमीनी स्तर पर कुशल मानव शक्ति के निर्माण पर कौशल विकास योजना एक बड़ी आधारशिला थी कोमा जिसके तहत हर साल कम से कम 24 लाख युवाओं को कुशलता का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया था। स्टॉप। पर महज 25,000 कौशल विकास केंद्र से क्या यह लक्ष्य पाया जा सकता है प्रश्नवाचक। वैसे देखा जाए तो 6 साल पहले कौशल विकास केंद्रों की संख्या केवल 15,000 थी जो पहले भी कम थी और आज आबादी के लिहाज तथा कौशल विकास की रफ्तार को देखते हुए अभी भी कम ही है। स्टॉप। पैरा। सुशासन की परिपाटी भले ही 20वीं सदी के अंतिम दशक में परिलक्षित हुई हो कोमा लेकिन इसकी उपस्थिति सदियों पुरानी है। स्टॉप। बार बार अच्छा शासन ही सुशासन है जो सभी आयामों में न केवल अपनी उपस्थिति चाहता है कोमा बल्कि लोक कल्याण के साथ पारदर्शिता और संवेदनशीलता को संजोने का भी प्रयास करता है। स्टॉप। शासन हो या प्रशासन कोमा यदि उसमें खुलेपन का अभाव है तो सुशासन दूर की कौड़ी होती है। स्टॉप। कौशल विकास को लेकर के चिंताएं दशकों पुरानी है। स्टॉप। मगर हालिया परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देना था जो कम शिक्षित हैं या स्कूल छोड़कर घर में बैठे हैं। स्टॉप। जाहिर है कोमा इस योजना के अंतर्गत ऐसे लोगों के कौशल का विकास करके उन्हें योग्यता के अनुपात में काम पर लगाना था। स्टॉप।
इसके लिए कर्ज की सुविधा भी दी जाती है। स्टॉप। ऐसा इसलिए ताकि अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। स्टॉप पैरा। सुशासन और कौशल विकास एक सहगामी व्यवस्था है। स्टॉप। एक के बेहतर होने से दूसरे का बेहतरीन होना सुनिश्चित है। स्टॉप। गौरतलब है कि सुशासन विश्व बैंक द्वारा दी गई एक ऐसी आर्थिक परिभाषा है जो राज्य से बाजार की ओर चलने की एक संस्कृति लिए हुए हैं। स्टॉप। आर्थिक न्याय सुशासन की खूबसूरत अवधारणा है जो उदारीकरण के बाद पोषित होती रही है। स्टॉप। सारगर्भित पक्ष यह भी है कि कौशल विकास को लेकर सरकारें लंबे समय से काम करती आ रही है, कोमा, पर इसका असल पक्ष उतना चमकदार नहीं दिखता है। स्टॉप। असल में कौशल विकास के मामले में भारत में बड़े नीतिगत फैसले या तो हुए ही नहीं, और यदि हुए भी तो विकास के स्तर पर पहुंच पूरी नहीं हुई। स्टॉप। यदि ऐसा होता तो 136 करोड़ आबादी वाले देश में और 65% युवाओं के बीच केवल 25,000 कौशल विकास केंद्र न होते। स्टॉप। आंकड़े यह दर्शाते हैं कि चीन में 5 लाख, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में 1-1 लाख से अधिक कौशल विकास संस्थाएं हैं। स्टॉप। दक्षिण कोरिया जैसे छोटे से देश में भी इतने ही केंद्र देखे जा सकते हैं। स्टॉप। चीन में 3,000 से अधिक कौशलों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। स्टॉप। भारत में इसकी संख्या 50 से ज्यादा नहीं दिखती। स्टॉप। चीन अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.5% व्यावसायिक शिक्षा पर खर्च करता है, कोमा, जबकि भारत चीन की तुलना में तो काफी कम और अपनी जीडीपी का मामूली धन ही खर्च करता है। स्टॉप। यही कारण है कि कौशल विकास के मामले में हम पीछे हैं। स्टॉप। वर्ष 2024 तक 500 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को 10% से अधिक की विकास दर चाहिए। स्टॉप। इसके लिए विकास कौशल विकास को व्यापक और व्यावसायिक बनाना होगा। स्टॉप। पैरा। स्किल इंडिया कार्यक्रम सुशासन को एक अनुकूल जगह दे सकता है, कोमा, बशर्ते कि यह अपने उद्देश्यों में खरा उतरे। स्टॉप। इस कार्यक्रम का मकसद साल 2022 तक कम से कम 30 करोड़ लोगों को कौशल प्रदान करना है। स्टॉप। मुहाने पर खड़ा 2022 और कौशल विकास अभियान की रफ्तार को देखते हुए यह लक्ष्य संदेह पैदा करता है। स्टॉप। वर्ष 2024-14 में जब कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय बनाया गया था तब यह उम्मीद से भरा हुआ था, कोमा, पर आज बोझ से दबा हुआ है। स्टॉप। जाहिर है, कोमा, कौशल विकास का अभिप्राय अभियान कई चुनौतियों से जूझ रहा है जिसमें अपर्याप्त प्रशिक्षण, कोमा, उद्यमी कौशल की कमी, कोमा, उद्योगों की सीमित भूमिका तो बुनियादी कारण है ही, कोमा, साथ ही इसके प्रति कम आकर्षण और नियोक्ताओं का रवैया भी अड़चने पैदा करने वाला रहा है। स्टॉप। इतना ही नहीं, कौशल केंद्रों पर कुशलता या हुनर के स्थान पर काफी हद तक प्रमाण पत्र बांटने पर ही जोर है। स्टॉप। जबकि हकीकत यह है कि बाजार स्पर्धा से भरा है, जहां सिक्का तब खनकता है जब काबिलियत फलक पर होती है। स्टॉप। ऐसे में प्रमाण पत्र के भरोसे रोजगार की अपेक्षा करना न तो सही है और न ही संभव है। स्टॉप। भारत में आंकड़े यह भी बता चुके हैं कि हर 4 में 3 बीटेक की डिग्री धारक और हर 10 में से 9 डिग्री धारक काम के लायक नहीं है। स्टॉप। ऐसे में जिन्हें केवल कौशल विकास के नाम पर जिन्हें प्रमाण पत्र थमा दिए जाएं, कोमा, उनके रोजगार का क्या हाल होगा। स्टॉप। पैरा। सवाल है कि सरकार को करना क्या चाहिए। स्टॉप।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण खर्च में वृद्धि करना चाहिए स्टॉप। हालांकि पिछले बजट में इस मद में वृद्धि दिखाई देती है स्टॉप। प्रशिक्षण संस्थानों का भी मूल्यांकन समय समय पर होना चाहिए, साथ ही कौशल सर्वेक्षण भी होता रहे स्टॉप। कौशल विकास के लिए रास्ता सुशासन से भरा होना जरूरी है और इसके लिए समाज के सभी वर्गों को इसमें शामिल करना होगा स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर अमेरिका की भांति भारत के श्रम बाजार में कुल महिलाओं की भागीदारी 70% तक पहुंचा दी जाए तो आर्थिक विकास दर को 4% से अधिक बढ़ाया जा सकता है स्टॉप। कौशल विकास को ऊंचाई देने के लिए आधी दुनिया से भी भरी नारी को भी इस धारा में बड़े पैमाने पर शामिल करना होगा कोमा, ताकि उन्हें हुनरमंद बनाकर न केवल देश में विकास की गंगा बहाई जा सके कोमा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार किया जा सके स्टॉप रेस्ट। थैंक यू साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।